हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ टॉप शो में हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाला है, वजह है टीआरपी को बढ़ाने के लिए शो को जो है बिल्कुल अलग मोड़ पर लेकर जाने की तैयारी है। फिर चाहे शो में लीप देकर हो, न्यू एंट्री होकर हो या राज ओपन करने पर हो, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो चलिए बताते हैं वो टॉप शो कौन से हैं जो इस हफ्ते काफी बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले मैं बात करूंगी सोनी पे कथा अनकही की, जिसकी स्टोरी शुरू से ही बहुत पसंद आ रही है, जिसकी जोड़ी को भी कई बार अवार्ड फंक्शन में जो है इनवाइट किया गया है, या फिर कहें कि वो काफी अवार्ड ले चुके हैं और कह सकते हैं कि ये कहानी फैंस के दिल को छू रही है। लेकिन टीआरपी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वजह है ये सोनी पर है। अब बात आती है कि शो में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा क्या चलने वाला है, जहां पे बरसों साल पुराने जो वियान की मां ने कांड किए हैं वो राज ओपन होने वाले हैं और फैंस की आंखें और वियान की आंखें फटने वाली हैं। अब बात करते हैं आपके प्यारे कुंडली भाग्य की, जो कि कहानी काफी ट्विस्ट के साथ आगे चल रही है, जहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि प्रीता की मेमोरी वापस आ गई है, या फिर कह सकते हैं कि निधि राजवीर के घर जाकर राजवीर के बारे में पता करती है, लेकिन वहाँ उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन प्रीता दिख जाती है। अब बात करते हैं आपके प्यारे ये है चाहते में, भैया गोली वोली चलने वाली है, और जब गोली चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो पुलिस ड्रामा होगा, और जो है जो नित्या है वो कहीं ना कहीं एक कानून का फैसला जो है सुनाएगी, या फिर कानून के हाथों को जो है गुनहगार को सौंपेगी, फिर चाहे वो घर का ही मेंबर क्यों ना हो। अब बात आती है तेरी मेरी डोरिया, भाई तेरी मेरी डोरिया में कहानी बहुत ज़्यादा घुमा दी है, और इसीलिए कहानी को जो है नया मोड़ देने के लिए अब जो है एक बच्चे की एंट्री की जाने वाली है, जहाँ पे डिवोर्स का ड्रामा भी दिखाया जाएगा, लेकिन डिवोर्स होगा नहीं। फिर बात आती है आपके प्यारे फालतू की, जिसमें लीप आने वाला है और भाई फालतू एक बच्चे की माँ बनते हुए नजर आएगी, गलत फहमियाँ तो लीप के बाद ही दूर होंगी। फिर आता है आपका इमली, भाई इमली को आखिरकार अपनी बेटी का सच पता चल जाता है, क्या वो अथर्व को माफ करेगी, और अगर कर भी देगी तो क्या चीनी से अपनी बेटी को बचा लेगी। अब बात आती है आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ रोज नया ट्रैक दिखाते हैं, अब फैंस थक गए हैं ये ट्रैक देख देख कर, इसीलिए अब जो है शो में लीप दिया जाएगा एक छोटा सा, जहां पे आपकी प्यारी अक्षरा जो है बनती हुई नजर आएगी वकील, और फिर लड़ेगी अपनी बेटे का केस, फिर वकील को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद ही फीलिंग जो अच्छी होगी वही जज को सुनाएगी। अब बात आती है आपके प्यारे से गुम है किसी के प्यार में, जिसे टैग मिल चुका है, ये तो शौर्य और रॉकी की कहानी है, लेकिन आपकी जो साई की बेटी सावी है चिकनी चमेली पे डांस करती हुई नजर आने वाली है, और जब वो डांस करेंगी तो काकू उन्हें इतना मारेंगी, भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर कहाँ सावी जो है सुधरेगी, सावी तो इससे बड़ा कदम उठाएंगी। फिर जो है सावी के लिए एक नए हीरो की एंट्री होगी, जिस हीरो को अब तक आप देख रहे हैं वो तो शादी के लिए होगा, लेकिन दूसरा हीरो सावी के दिल के करीब होगा। अब बात आती है आपके प्यारे अनुपमा की, जहाँ पे अनुपमा बेचारी फौरन जाते जाते रुक जाएगी, लेकिन उनके पति पूरा सपोर्ट करेंगे, भैया तुम जाओ चाहे घर में कुछ भी ड्रामा चल रहा है, वो वनराज जैसे नहीं है, लेकिन भैया अनुपमा है अभी उड़ान नहीं भर रही है, सुनने में तो यही आ रहा है। फिर आता है आपका प्यारा सा कुमकुम भाग्य, भाई कुमकुम भाग्य में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को रोज मिलता है, अब रणबीर की जिंदगी में भी एक नई हसीना की एंट्री होने वाली है, रिया कम थी जो एक नई हसीना की एंट्री कराई जा रही है। तो ये है आपके टॉप शो जो कि इस हफ्ते आपको टीवी से दूर रहने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे आप उनके ऐड भी देखने के लिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए इसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।